नमस्कार न्यूज रूम लाइव को स्वागत करूम लाइव में आलोचना करवा आंध्र ओडिशा धान प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार धान एमएसपी वृद्धि करुछंती किंतु राज्य सरकार चाषी मारण नीति एवं मिलर मान मनमानी जो सबुबले राज्य चाषी मैंने क्षति सहुचंती जहाँफल चाषी मैंने बाध्य पड़ी राज्य को धान चलाण करुछंती। गत किछि दिन तले दुई दिन तले जो चित्र सामना को बरगढ़ आसीतिला आंध्र र किसी व्यवसायी आसी ओडिशा चाषी मानू जो धान किणी से समय रे राज्य खाद्य जोगाण विभाग किसी अधिकारी से गाड़ी को अटक रखी थे। चाषी मैंने सेठार असंतोष प्रकाश करते गोटे उत्त्यक्त परिस्थिति सेठार सृष्टि होता तबे वर्तमान स्थिति कौन रही है बाबद आलोचना पर आम बरगढ़ को जी मनीष शर्मा आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होती। मनीष वर्तमान विभाग अधिकारी बाबद कि चिंता कले कि स्टेप ने जे ए सबुति केबे विराम लगे आउ राज्य चाषी टीए के राज्य सरकार आउ राज्य मंडी मिलर मान भरोसा जुटाई पार एबे ए पर्यंत जोगाण विभाग कथा कहतु बा जिला प्रशासन कथा कहतु कहीं मत घटना उपर मुह खोल राजी ना कहीं कौन प्रकार सूचना देना जहाँ सूचना रही जो आम गत काली चित्र देखा जे बरगढ़ जिलार अटाजरा ब्लक रु किसी चाषी आंध्र प्रदेश को धान बिक्री करते सेटा जो कहवा कथ 1800 रु 2000 टाँचा क्विंटाल देखिए आंध्र जो जवान आसने चाषी धान किणिकी नौकर अभोग रही है जे राज्य सरकार चलित थर रबि ऋतु 26 क्विंटाल एकड़ पिछा धान संग्रह करने निर्धारित होती तो सबुठ बड़ समस्या हूँ जे ये जो हीराकूद कमांड एरिया रही आप जानते संबलपुर सोनपुर बलांगीर एवं बरगढ़ ये जो चारोटी जिलार रही जो हीराकूद कमांड एरिया पा आसे से जगह धान डबल क्रप होता है और पखापाखि 35 क्विंटाल अधिक धान एकड़ पिछा उत्पादन होथर बम्फर क्रप तो एबे जो चाषी मैंने रही से अभोग रही राज्य सरकार जब एकड़ पिछा 26 क्विंटाल धान किणवे जो बलका धान रही आम क्या बिक्री करूँ यही जो बलका धान रही एठाकर जो लोकाल मिल रही आप जानते बरगढ़ जिले में 112 राइस मिल रही सब उष्णा प्लांट रही तो यही जो उष्णा प्लांट गुड़िक रही से 1000 800 900 ये शागमाछ दरें ताकू मगुंत पैसा मगुच्च क्विंटाल पिछा तो जदि आंध्र गोटे आलोचना करिबा वर्तमान झारसुगुड़ा को जिबा हमरो पश्चिम ओडिशा ब्यूरो चीफ सुरेंद्र बारिक आम सहित जोड़ी होती। सुरेंद्र जानवाप चाहिबा जे वर्तमान पश्चिम ओडिशा रे किभली चाषी माने मिलर मानक उपरे भरोसा जुटाइबे एवं मंडी रे धान देबे एथि पई जोगाण विभाग रो जो माने अधिकारी रहिछंती ऑफिसर माने किछि या पई चिंता कलेनी बा कोनोसी पदक्षेप नेलेनी कि ना प्रत्येक वर्ष एभली चित्र देखबा को मिलबा से खरीफ ऋतु कथा कोंतु बा रबी ऋतु कथा कोंतु देखो सब तो विड़म्बना कथा है जे वर्तमान राज्य में जो DLPC बैठक बसुचे किसी क्षमता नहीं जहाँ हूँ भुवनेश्वर बसी सचिव मैंने ही सब निर्णय वर्तमान जो पीपा सिस्टम अच्छे जो टोकन सिस्टम अच्छे या तो चाषी मैंने गत किसी दिन है किसी वर्ष है विरोध करेतु अनेक जगार टोकन लैब्स हो से मैंने चाषी मैंने जो मैंने रेजिस्ट्रेसन करते चाषी मैंने ही धान बिकि पार ना जदि आम विगत 2 वर्षर जब खरीफ मार्केट मार्केटिंग सीजन रो कथा कहिबा लक्ष लक्ष चाषी जो मैंने रेजिस्ट्रेसन करते बिक्री करि पारु नांती अन्य पटे जदि आमे देखिबा आम पड़ोसी तेलंगाना कथा कहतु कि आंध्र प्रदेश कथा कहतु कि छत्तीसगढ़ रो कथा कहतु जदि आमे तेलंगाना रो जदि आमे स्टैटिस्टिक देखिबा जे गत 5 वर्ष भितर 296% चाषी संख्या वृद्धि होती तेलंगाना राज्य में जो मैंने कि MSP रे धान तार उचित मूल्य पाई अंपटे आंध्र प्रदेश जदि आम कथ कह 186% लाभ पाइंटे छत्तीसगढ़ 90% कितु जदि आम ओडार कथा जदि देखा मात्र 29% लाभ पाई तो ये समस्या आज समस्या नुहे दीर्घ दिन है ये समस्या लग रही गोटेपटे केन्द्र सरकार जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस धान पे जो धार्य कर ग्राउंड रे से रेट पाई पारु नाहंती अनेक जगह एबे भी दलाल भरसा रे चासी रहउचंती मात्र 1000 रु 1200 टका रे देउचंती तो मु किछि मो पखरे किछि तथ्य अछि जेउटा कि उभय केंद्र सरकार को तथ्य एवं राज्य सरकार को तथ्य जेउतरे राज्य सरकार को गुमर
प्रकृत में फिटिजी जेहेतु राज्य सरकार निजे कहते जे चाषीकर उन्नति राज्य सरकार सब कार्य करूँ जहाँ तथ्य हस्तगत होती जदि आम 2021-22 तथ्य देखा ओडिशारे पखापाखि जो होता 56.35 लाख मेट्रिक टन धान प्रोक्योरमेंट होता जदि आम छत्तीसगढ़ तथ्य देखा तो पखापाखि 92 लक्ष मेट्रिक टन प्रोक्योरमेंट होती कितु ठीक से ही अनुपात जदि आम देखा ओडिशार चाषी 2021-22 12.6 लक्ष चाषी से एमएसपी दर में पाई जदि आम छत्तीसगढ़ देखा 21 लक्ष 3 हजार चाषी पाई तो ये गोटे तुलनात्मक चित्र जदि पड़ोसी छत्तीसगढ़ में अधिक चाषी एमएसपी दर में लाभ पाईपारे कहीं जदि ओडिशार जो पीपा सिस्टम जोटा अच्छी पेडी ऑटोमेशन सिस्टम जोटा अच्छी जो प्रथम चाषी मैंने जो रजिस्ट्रेशन करें जो प्रक्रिया अच्छी अति जटिल प्रक्रिया से चाषी मैंने लाभ पाई जदि आम चलित रबि सीजन रहा कह खास कर पश्चिम ओडिशा बरगढ़ कथ कहतु झारसुगुड़ा जिला कथ कहतु चाषी जलसेचन करास कर रबि डालुआ धान चाष कर कितु जमी किसम को लेकिन द्वंद्व सृष्टि और रजिस्ट्रेसन हो पारे जो पंजीकृत होगा कथा पिपास पंजीकृत हो पारे जद्वारा कि बाध्य चाषी बर्तमान जो छत्तीसगढ़ बेपारी अंडर रेट 1000 रु 1200 टाँग प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होती सौम्य प्रत्येक वर्ष आम देखुचे पश्चिम ओडिशार चाषी मैंने किभ रास्तारो कर सठिक समय निज अमल धान को सठिक मूल्य बिक्री कर नहीं असंतोष प्रकाश करतमान स्थित हो चाषी मैंने आउ भरोसा जुटाई पार ना राज्य सरकार राज्य में या मंडी उपरे मिलर मानक उपरे वर्तमान से माने आंध्र को धान सब बिक्री करवसायी मानक दौरान चाषी किसी रिएक्शन आसुची कि रवि ऋतु वर्तमान समय रवि ऋतु चाष रे आम कुचिनांचल का भाग कौ कौ स्थान में चाषी मैंने निजस्व विनियोग चाषवास करते कि सब बड़ प्रश्न जो चाषी जदि 10 एकर चाष करते तार 2 एकर धान चाष बिक्री करने टोकन आसी बर्तमान समय सब बड़ प्रश्न जो 8 एकर चाष धान कर कौन से चाषी टीए 12 रु 13 टा बाध्य 10 टकर भी धान बिक्री कर दलाल हाथ में से दलाल चाषी जो टोकन आसे तार फायदा ही उठे थाए फायदा उठे बोले से धान बर्तमान विदेश को जाए विदेश बाहर को जाए राज्य बाहर बिक्री होता है बाहर को जाता समय विभिन्न स्थान चढ़ाऊ कितु चढ़ाऊ कर प्रशासन चुप बस जाए किपर भाव कौटू आसला धान कौन है पूरा तदंत करवा तो दूर कथा चाषी समस्यार प्रशासन दृष्टि करना तो खाली यही स्थान नुहे कुचिंडा उपखंड कथ नुहे संबलपुर जिला कथ कहु संबलपुर जिले में विभिन्न स्थान बर्तमान सामान चित्र आस टोकन रवधि सरी आता बेले चाषी मुंड व्यथा कारण पलटी जे धान गुड़िक कर कौन शेष चाषी टीए बर्तमान 8 रु 10 टा कि 10 रु 12 टा शेष शागमाछ दर में चाषी धान बिक्री कर बिक्री करदे यही दिगरे बारंबार प्रशासन तथा जिला प्रशासन तथा उपखंड प्रशासन को जनईले बर्तमान समय चाषी कौन सी प्रकार समस्या समाधान हो पारे बारंबार गुहारी कले चाषी कौन कथा शुणुना अंपटे जितेबाला ये घटना नहीं आम चाषी सहित तो पूर्व आलोचना करूँ तो सीधा सड़क राज्य सरकार को ये टोकन व्यवस्था उपर बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करते सरकार जदि आम 10 एकर धान चाष कर आम पाक 2 एकर टोकन आसूच केमी तो से सीधा सड़क प्रशासन मिली भगत यह सब कम चलू सीधा सड़क चाषी शोषण करा जाने चाषी को हैरान करा चाषी किपर भाव में कम दर धान बिकु से सीधा सड़क तार फायदा मिलर और दलाल मैंने उठेबे से चाषी अभियोग करदी ये समस्या आगामी जो खरीफ ऋतु में लगी रहे तो चाषी मैंने राजरास्ता को ओह्लैबे बड़धर आंदोलन करेंगे सूचना देते चिन्मय निश्चित भाव में सौम्य वर्तमान चाषी मल में असंतोष देखापी मिलूँ वर्तमान जो स्थिति रही तेरे सौम्य कथा जे चाषी टीर तार धान कौ समय से अमल कर मंडी में उपयुक्त समय से दब एक कमी राजधानी में डिसाइड हम जो टोकन व्यवस्था होने चाषी मैंने बारंबार असंतोष प्रकाश करदिओ से टोकन मिलू टोकन रो समय रही समय पर्यटन बा तार धान अमल होगा बेलू टोकन अवधि सरी जाऊँगी जो चाषी मैंने बारंबार हैरान हरकत होती आ सठिक समय धान दे पार ना जदि अमल कर चिन्मय देखु खाली गोटे समय नुह पूर्वर मध्य समस्या बारंबार
चाषी सांगे रे घटी जाइछि जेते बेले चाषी टिए ए समस्या नेकिरी सीधासलख जो प्रश्न पचांछि जे प्रशासन पाखरे कोनोसी उत्तर नाही सीधासलख भुवनेश्वर टोकन आउछि एवं चाषी चाषीर टोकन आसला पर चाषी धान अमल करनाई किंबा बिलर धान पाची नथे से समय चाषी टोकन आउछि तो चाषी टिए जेते बेले अमल करछि धान बिक्री करबा पर आसुछि सेते बेले तार टोकन लेफ्ट सहित से जानी पारछि आउ किछ जगह देखिछि जे चाषी मानक टोकन मते मेसेज आसने जो पले चाषी माने हरा नउछन्ते यही कथा जितेबाला चाषी मैंने कहते हैं आगर जितेबाला जिला प्रशासन टोकन व्यवस्था करता जिला प्रशासन स्तर टोकन व्यवस्था करता से चाषी टे सीधा धान बिक्री कर कौन असुविधा ना जितेबाला चाषी धान अमल होता से समय चाषी टे धान बिक्री कर पार्ला कि सब बड़ प्रश्न चिन्मयी देखो वर्तमान समय आम अंचल किसी चाषी धान अमल कर पार ना से बोले टोकन तक आसला सीधा साल जिते से धान बिक्री करने को ना से समय टोकन लेफ्ट सही जितेबाला प्रशासन पाखु गुहारि करते से कहला आम पाखे किसी ना आप जाते जिला जिला प्रशासन पाखु जितेबाला से जिला प्रशासन पाखक जाते से निराश हो फेरी खाली ये गोटे कथ नुए रवि कथ नुए खरीफ ऋतु में कुचिंडा उपखंडर जितेबाला समस्त पंचायत ये समस्या देखिए बिक्री करता क्विंटाल घुंटाल धान चाषी मैंने मान धान बिक्री कर आठ रु दस टा दर में सीधा सड़क दलाल हाथ में बिक्री देखते बर्तमान समय पाग कावड़िया करी पाखे टोकन ना टोकन आसब कि ना चाषी जानी ना एबे धान बिक्री करबा केमिति जे एबे से दलाल हाथ में धान दबा बोली स्पष्ट सूचना दौची जे चाषी सबुटा कौटि ना कौटी शोषण शिकार होती केन्द्र सरकार एमएसपी द्वारा धार्य करता से एमएसपी द्वारा राज्य में कौटिना कौटी कम करना सीधा सख चाषी चाषी दलाल शिकार होती शेषर शाग माछ दर में कम रेट रे दलाल हाथ में सीधा सख बिक्री कर दलाल फायदा उठाऊँच चाषी बारंबार अभियोग कलापर में शुणी जिला परिषद ना शुणी स्थानीय परिषद ना शुणुंट कौन सी नेता मंत्री मैंने सीधा सख जब चाषी मैंने ये समस्या सम्मुखीन करती है आगामी दिन में चाषी चाष केमी कर मुंड व्यवस्था आरंभ है बर्तमान चाषी धान रवि ऋतु धान बिक्री कर पारे तो आगामी खरीफ सजबाज हो पैसा आण कौट जो धार करज कि ऋण करता से ऋण पैठ कर किपरि सब बड़ प्रश्नवाची सृष्टि एथप्रति प्रशासन को अनुरोध करुच्चे चाषी टीए जे प्रशासन एथप सजाग हूँ जमी आगामी दिन में चाषी कौन सी प्रकार दलाल शिकार नुह हुए दलाल मुक्ति केमी हम अंचल से दिग्वे सजबाज हो तत्पर देखा बोले चाषी मान दावी करछन चिन्मयी बिल्कुल समय परवर्ती समय रे फेरी भी आलोचना मध्य करबा एवं आम सहित मनीष बरगढ़ रु आम प्रतिनिधि अच्छा आम पश्चिम ओडिशा ब्यूरो चीफ सुरेंद्र बारिक आम सहित लगातार जोड़ी पूरा पश्चिम ओडिशार स्थिति कौन रही चाषी से बाबद आलोचना करुचे वर्तमान मनीष पाख को आसबि मनीष कथ हो बर्तमान जदि एभली स्थिति देखा जाए कि दिन ते आपा दृश्य देखाऊ कि भाव में रास्तार धान गुड़िक गदा हो रही धान बस्ता पड़ी धान गुड़िक कूढ़कूढ़ भाव में गदा हो कथा हूँ आग को वर्षा आसब मौसुमी आसुची जदि वर्षा आसे बा वर्षा हुए ताहले स्थिति संगीन हेबो निश्चित रूपे चिन्मय आप देखु आम जो लगातार चित्र देखेलु जे रास्ता कड़े जो चाषी मैंने रही धान को सुकोले ये जो सुकेवार कारण है जे व्यापक जो भित्तिभूमि सजाड़ा कथा राज्य सरकार जो आरएमसी गुड़िक पैसा गच्छित हिसाब से रही आप जानते ओडिशा राज्य में पखापाखि 230 कोटी टकर अधिक सबुठ बड़ कथा हूँ जे बरगढ़ जिले में जो तीनोटी मार्केट यार्ड रही पदमपुर अतावीरा और बरगढ़ यही तीनोटी अंचल पखापाखि 166 कोटी टकर अधिक रही भित्तिभूमि सजाड़ापी जो पैसा रही केवल केवल चाषी मानी से जो पैसा रही गोदाम गृह निर्माण करवा कथा सेड निर्माण करवा कथा चाषी मानी विश्राम गृह निर्माण करवा कथा यूरिनाल टॉयलेट निर्माण करवा कथा यही सब पा पीवा व्यवस्था करवा कथा इस सहित जो 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 एफेक्यू मात्रार धान आई जो चाषी मान को कहुची तो जो धान से आने तार आर्द्रता किभली मपाजी जदि धान सुखाई ना तो सुखेवाई व्यवस्था कर सब जो रही मार्केट यार्ड आरएमसी मार्केट यार्ड दायित्व रही है किभली भाव में चाषी धान को एफेक्यू मात्रा को आने और पुणी धान किणवे जो केन्द्र सरकार पैसा दौरान 1940 टाइम एमएसपी ए ग्रेड रान से ही पैसा किभली भाव में चाषी पाइब तार व्यवस्था कर दायित्व रही आरएमसी राज्य सरकार किंतु ता संपूर्ण भाव में फेल मारूँ तार गोटे मात्र कारण हूँ जहाँ चाषी अभियोग करुँचे जो दलाल मैंने रही मिलर्स मैंने रही जो दुईज मधुचंद्रिका आज चाषी पेशी होती आरएमसी गुड़िक मार्केट यार्ड गुड़िक पैसा पड़ रही
ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ି ଯାଉନି। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆସିବ ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ି ରହିବ ସେ ତାର ସେ ଯେଉଁ ଧାନ ଭିଜିବ ଭିଜି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଆଜି 940 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବା କଥା ତାକୁ ସେହି ଦଲାଲ ମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି 800 900 ଶାଗମାଛ ଦରରେ କିଣିବେ 1000 ଟଙ୍କା 1200 ରେ କିଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ତର ହେଇକି ଚାଷୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଟୋକନ ପାଇଥିଲେ ଏକର ପିଛା ଯେଉଁ 24 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଷୀ ବିକ୍ରି କରିବା କଥା ସେଇ ଚାଷୀ ବିକ୍ରି କରିକି ଆରଏମସି ରେ ଧାନ ପକେଇକି ଯେଉଁ ବଲକା ଧାନ ରହିଛି ତାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଗତକାଲି ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଥିଲୁ ଯେ ତିନୋଟି ଗାଡ଼ି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅତାବିରା ବ୍ଲକରୁ ବାହାରିକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକାମ୍ର ଛକଠାରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜଗିକି ବସି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅଟକେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଚାଷୀମାନେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଧାନ କିଣୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି 1800 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 2000 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 2100 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅଟକଉଛନ୍ତି କାହିଁକି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଧାନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆମର ଧାନ କିଣନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏମଏସପି ରେଟ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମର ତ ଏଫଏକ୍ୟୁ ମାତ୍ରାର ଧାନ ରହିଛି 1940 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଧାନ କିଣନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଜବାବ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ବି କେହି ବି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜବାବ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେହି ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଧାନ ଗଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚାଷୀ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଛତିଶଗଡ଼ ଆନ୍ଧ୍ର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ମଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ବାରମ୍ବାର ଦଲାଲ ଏବଂ ମିଲର୍ସ ଏମାନଙ୍କ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ପଡ଼ି ଚାଷୀ ଏବେ ଛନ୍ଦି ହେଉଛି। ଚିନ୍ମୟୀ ଓକେ ମନୀଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରିବି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଲଗାତାର। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଏମିତି ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏଇ ସମାନ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଚାଷୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି। କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟାର କେମିତି ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ତତ୍କାଳୀନ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ସେ ତ ବିଧାନସଭାରେ କହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ବାହାରେ କହନ୍ତୁ, ସେ ବାହାସ୍ପୋର୍ଟ ମାରୁଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଧାନ କିଣା ବିକା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟର ଯଦି ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ, ଯେ କେତେ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି ଏବଂ କେତେ ସେମାନେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେଲେଙ୍ଗାନା 31,86,000 ହେକ୍ଟରରେ ସେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥାଏ ଏବଂ 84.57 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍।